अब बेटा अगला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। लिखा तो मैंने यहाँ पे मीडियन है इसलिए कि अब मैं पढ़ाऊंगा मीडियन की मीडियन क्या होता है, पर अब उससे हम करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले बताओ मीडियन याद है, मीडियन क्या होता है? बीच वाला, ठीक है। जैसा ये मैं कुछ सर्कल्स बना रहा हूँ तो उसमें मिडिल वाला कौन सा हो गया? यही है। तो सर क्या सर ऐसा सवाल पूछ रहे हो, पता ही है। वेट, असली चीज़ तो अब यहाँ पर है। मीडियन निकालने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। बताओ बेटा कौन कौन से मेथड होते हैं हमारे पास मीडियन निकालने के? एक ग्रुप डेटा का और एक अनग्रुप का, या मैं बोलूँ रॉ डेटा और बेसिकली नॉट फॉर ग्रुप डेटा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ ग्रुप डेटा का। ग्रुप डेटा का क्या होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ये होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये क्या है इसके ऊपर डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। अब एक आता है अनग्रुप का। अनग्रुप बोलूं या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं इसे रॉ डेटा हो गया या डिस्क्रीट सीरीज। डू यू रिमेंबर डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है बताइए? गुड, और कोई बताएगा? गलत आंसर है। जिसमें फ्रीक्वेंसी आती है पर क्लास इंटरवल ना हो, ये शायद मैंने बताई है बात। डिस्क्रीट क्या होता है? क्लास इंटरवल ना हो, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी हो, बट फ्रीक्वेंसी हो। बेटा ये बात ना लिख लो, आप लोग ना बार बार भूल जाते हो। लिखो, क्लास इंटरवल नहीं हो बट फ्रीक्वेंसी हो। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, हमने कहाँ पे करा ये वाला क्वेश्चन, ये रहा एग्जाम्पल फोर। अगर आप देखो डिस्क्रीट सीरीज है, क्लास इंटरवल्स है नहीं, फ्रीक्वेंसी है यस। तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें हम हमारे को दो चीजें देखनी होती है। अगर आपका n, इफ n इज ऑड, अगर n क्या हो मेरे बच्चा ऑड, n क्या होता है टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल टर्म। अगर n ऑड हो, इफ n इज इवन या n इवन हो, बट n ऑड हो तो ऑनलाइन क्या फॉर्मूला बनता है मीडियन का? एन प्लस वन बाय टू टर्म। और अगर एन इवन है तो फॉर्मूला क्या बनता है मिश्रिया? क्या बस बोलो वंशिका। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हाफ एन बाय टू टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन टर्म। सिंपल लैंग्वेज में बोलू ये इतना फॉर्मूला रट्टा नहीं जाता, मैं इसी में रट्टा जाता। आओ सिखाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, एक छोटा सा एग्जांपल देखे। मान लो मैं इसमें बोलता हूँ मेरे पास 5% है ए बी सी डी ई, तो इसमें मीडियन बीच का क्या हुआ? झट से बोल दिया राइट, मैंने ऑर्डर वाइज अरेंज करा हुआ है। यहाँ पे मान लो मेरे पास हो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब बीच का क्या हुआ? डी ना, सी और डी के बीच का बेसिकली। आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है सर, किसी बंदे के बीच का थोड़ा ना कि आधा पार्ट इसका ले लिया आधा उसका ले लिया। नंबर्स में तो पॉसिबल है, मैं मान लो ये नंबर होता है 10 और ये होता है 20, इसके बीच का निकाल सकते थे ना। बट क्या ये इंसानों में पॉसिबल है या ऑब्जेक्ट्स में पॉसिबल है? नहीं। तो खैर आप एक छोटा सा नोट, इसमें भी कई सारे नोट्स है, इसके स्टेप्स लिखवाने हैं मेरे को, एक बात ध्यान रखिएगा नोट। Arrange the data in ascending order first. जो data है उसको हमेशा किस में arrange करो? Ascending order. कर तो descending में भी सकते हैं but better ascending में रहता है। Example 3 पढ़ेंगे हम। पढ़िए बट example 3 क्या है?
फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन का, कैसे निकाले सर, पहले मीडियन निकालना, तो सबसे पहला काम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा जल्दी बताओ, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21, राइट। अब यहां एन कितना हुआ बेटा, एन हो गया 11, कितने नंबर्स है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑड हो गया, तो मीडियन का कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, एन प्लस 1/2 टर्म, क्लियर, देसी भाषा में तो 11 नंबर है तो बीच वाला कौन सा हुआ, वैसे बता दे इनके बीच का ढूंढ के बताओ, बिल्कुल बीच, वाह मैंने मुझे बीच वाला कौन सा होगा कह रहे थे जो बिल्कुल बीच में होगा, क्या मजाक आज चल रहा है सबको, और अरे सिंपल सा सिंपल फॉर्मूले में डाल दे काम कर बेटा, 11 प्लस 1/2 टर्म 6 टर्म, तो 6 टर्म कौन सी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मीडियन क्या आ गया बेटा, पहले बोलो यहाँ तक क्लियर, अभी सर फॉर्मूला मैंने पढ़ाया नहीं है मीडियन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, आओ इसका फॉर्मूला बना सकते हो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या हो जाएगा सर, बोलो बोलो, एमडीएम सिग्मा एक्स माइनस एम, एम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीडियन अपॉन में एन, पॉइंट क्लियर, यस और नो, यस और नो, ये आ गया बेटा किसके लिए, रॉ डेटा के लिए, और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी वाली है यानी डिस्क्रीट सीरीज है ग्रुप्ड है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम बाय सिग्मा एम, ये किसके लिए, फॉर फ्रीक्वेंसी, बेटा क्लियर है कंफ्यूजन, ओके कर लिया नोट या करना है, सिंपल से फॉर्मूले में एक्स बार की का किसको रिप्लेस करना है, मीडियन को, चलो वापसी आते हैं, अब ये निकाला मीडियन, अब क्या चाहिए मेरे को, मीडियन डेविएशन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम बाय सिग्मा एफ, मीडियन तो आ गया मेरा, चलो बेटा क्या चीज मिसिंग है, x माइनस x बार, एक काम करो हटा दो, x माइनस m तो निकालो, x माइनस m क्या होगा, नहीं x जो है असेंडिंग ऑर्डर में रखो, ये लो मैं x भी लिख देता हूँ बेटा, x क्या आपका है, एक्स एंड वैल्यूज क्या क्या है, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 18, 19, 21 राइट, निकालो मॉड एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम क्या होगा बेटा, 3 में से क्या माइनस 9, कितना आया 6 आ गया बेटा, पॉजिटिव करना है ना, अगेन अगेन 5, फिर 2, फिर 0, फिर 1, 3, 9, 10, 12, बोले यहाँ तक क्लियर, अब इसका क्या कर दो, टोटल कर दो, कितना रहे, 6, 6, 12, 5, 17, 4,
इक्कीस, तेईस, चौबीस, सत्ताईस, सत्ताईस और उन्नीस, मेरे हो गए 46, 46 और 12 58। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 58/11 डिवाइड के निकालते हैं 5.32, 33 का आ गया, 3 30 22 22 8 87, और 7 का 77, 27 अगेन आ रहा है, चेक करो 27 है ना, 5.272 काफी इतना, बोलो क्लियर, नोट इट डाउन प्लीज। चलो बेटा अब कर रहे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। सबसे पहले इसमें कितनी टर्म्स है, अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर वाइज क्वेश्चन 3 में। सबसे पहले क्या आएगा बेटा असेंडिंग ऑर्डर में, मेरे को बोलते जाओ जल्दी से, 10 आगे और एक बच्चा, बोलो बोलो अक्षरी बोलो, 10 11 11 12 13 13, एक और बार नहीं है, 14 16 16 17, यही है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ मिसिंग है बेटा, अच्छा 17 17 18, अब काउंटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे हो, एन कितना मेरे बच्चा 12, तो 12 यानी इवन। बेटा मीडियन कितने ने निकाल लिया, इसका निकाल लिया, क्या होता है हाफ n by 2 term plus n by 2 plus 1th term, n by 2 क्या होगा बेटा 12 by 2 plus 1 हाँ 6th plus 7, छठी कौन सी term है, 13 प्लस 1 2 3 4 5 6, 13 और 14, तो 13 plus 14 by 2 कितना हो गया 13.5, बोलो यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब x माइनस m, तो x लिखूँ मैं पहले या डायरेक्ट ही कर दूँ, अब मॉड x माइनस m चाहिए ना अगला मेरे को, क्या हो जाएगा, बोलो 10 में से 13.5 गए, बात समझ आई, 3.5 फिर 11 में से 13.5 गए, 2.5 फिर 2.5 फिर 13 में से गए तो 0.5, अच्छा 12 रह गया, 12 में से गए तो 1.5, 13 में से गए फिर 0.5 फिर 2.5, 2.5